हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है ये लहंगा जिसकी हमें फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग तो पहले हुई थी इसकी, इन्होंने पहले शॉप पर कराई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, ऊपर से ये बहुत बड़ी बेल्ट रह गई। तो जिनका ये लहंगा है वो बहुत पतली सी हैं, और मतलब ज़्यादा पतली भी नहीं है, ठीक है, और लेकिन ये उनके हिसाब से बहुत चौड़ा है। ये करीबन 36 इंच से भी बड़ा है, और ये हमें इतना करना है, यानी कि हमें ये करना है हमें 24 इंच के करीब। तो अभी हमें इतना ये दबाना है। तो इसमें हम बिना कली काटे इसको किस तरह से हम दबाएंगे, तो सबसे पहले हम ऊपर से इसकी बेल्ट निकाल लेंगे। आप सुई की मदद से इसको निकाल लीजिए सिलाई को, और आप चाहे तो इसको खींच कर भी उधेर सकते हैं, जिस तरह से मैं उधेर रही हूँ, इनकी सिलाई निकाल सकते हैं, या फिर आप एक एक टाका कट करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले पूरी सिलाई निकाल लूँगी इसकी, और इसकी हम बिना बेल्ट काटे ही लगाएंगे। क्या होता है, कभी कभी शादी के बाद क्या होता है, मोटे हो जाते हैं, तो हमारा जो लहंगा पहले रखा होता है, हमें फिटिंग करा लेते हैं, वो बाद में फिर हमारे छोटा होने लगता है, वो आता नहीं है। तो इसकी बेल्ट को हम कट नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसमें बेल्ट को इसमें ही ज्वाइन रखेंगे। तो अब हम साइड से थोड़ा सा सिलाई निकाल के ऊपर की जो हमने ये जो कपड़ा है रोकने के लिए सिलाई लगी हुई थी, नेट और अंदर का अस्तर, तो उसको हम सिलाई को निकाल लेंगे, और अंदर से हम इसकी कलियों को छोटा करेंगे। तो कली जो है उन पर हम जितनी भी कली हैं उन सब पर सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा हम नीचे तक सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो ना लहंगे में कट दाना लगा हुआ है, ये जो स्टोन लगे हुए हैं इस पर क्या है कि मशीन अगर चल जाएगी तो वो सुई टूट जाती है मशीन की, तो इसलिए हम इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे। उन्होंने बोला भी है सिर्फ ऊपर से ही दबाना है, नीचे तक नहीं करना है। तो ये जो हमारी कलियाँ हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा इन पर सिलाई लगाएंगे, पूरी कलियों पे। तो ऊपर से हम करीबन 3 से 4 इंच तक इन पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं लगानी है, उन्होंने मना किया है ज़्यादा नेड़ा करने के लिए, सिर्फ इनकी बेल्ट जो है वो छोटी करनी है। तो यहाँ पे देखिए, हम जितनी भी कलियाँ हैं इसमें करीबन इसमें 12 से 14 कलियाँ हैं, तो उन सब पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और ऐसे ही सब पर सिलाई लगाने के बाद जो हमारे अंदर की लाइनिंग लगी हुई है इसमें, जो अंदर का अस्तर लगा हुआ है, उस पर भी हम इसमें सिलाई लगाएंगे, ताकि उससे हमारा पूरा फिटिंग बराबर बैठे। ऊपर से जो हमारे कमर है वो हमें छोटी करनी है, तो इसीलिए हम जो हमारा अंदर का लाइनिंग है, देखिए ये वाली, इस पर भी जहाँ हमारे जॉइंट है वहाँ पर हम इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारे जॉइंट पर पता भी नहीं चले कि इसमें हमने सिलाई लगाई है या नहीं लगाई है। तो जितने भी हमारे इसमें जॉइंट आ रखे हैं, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी जॉइंट हैं सब पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें डबल लाइनिंग लगी हुई है, हम डबल पर ही सिलाई लगाएंगे दोनों को अलग अलग करके, और उसको लगाने के बाद हम इसके ऊपर से फिर एक सिलाई लगा देंगे तीनों को जोड़कर, यानी कि डबल दोनों लाइनिंग को भी और ऊपर से नेट को जोड़कर हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। और लहंगा इतना हैवी हो रखा है ना, मशीन पे रुक ही नहीं रहा है, तो नीचे लटक के तो सिलाई नहीं जा रहा है ये, तो इसको मैं बार बार मुझे ऊपर उठा के रखना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम इस पर पूरे पे सिलाई लगाते चले जाएँगे। जब भी आप ऐसा लहंगा वगैरह कुछ सिले ना, मशीन के बराबर में एक स्टूल या मेज आप कुछ भी रख सकते हैं, या फिर कुछ भी बेड वगैरह के पास मशीन रखकर तब आप इसको सिलिए, ताकि इसको रखने में आसानी हो। ये नीचे लटकता है ना तो खिंच जाता है कपड़ा, तो उसमें क्या होता है कि वो सिला नहीं जाता है, मुझे बार बार ये उठा के रखना पड़ रहा है। आज मैंने मशीन बाहर रखी हुई है तो ये मुझे बहुत दिक्कत पड़ रही है, वरना मैं बेड के पास ही रख कर सिलती हूँ ऐसे कपड़े। तो यहाँ पे देखिए, हमारी जो ऊपर की कमर थी ना वो छोटी हो गई है अब, तो ये बहुत बड़ी कमर थी उनकी और अब हमने छोटी हो गई। आप इसके देख सकते हैं बेल्ट के अंदाजे से आपको पता चल रहा होगा कितना हमने छोटा कर दिया है, करीब हमने 6 से 7 इंच इसको घटा दिया है, जितना उन्होंने बोला था उतना हमने इसको छोटा कर दिया। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, आप ऊपर से रखकर भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं, या आप अंदर की साइड से भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ अंदर की साइड से लगाऊंगी, अभी मैं ऊपर से रख के दिखा रही हूँ आपको कि आप इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको अंदर वाली साइड से रखेंगे, यानी कि जो हमारा अंदर का हिस्सा है ना वो अंदर से इस तरह से हम इस पर रख कर सिलाई लगाएंगे, और ऊपर की साइड हम इसको फोल्ड करेंगे, ताकि हमारी जो सिलाई है ना ऊपर वाली वो बाद में लगे और अंदर की सिलाई इसमें दिखाई ना दे। इस तरीके से हम इस पर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अंदर से हम इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, और फिर हम इसको ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे।
तो अंदर से देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। लहंगा मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसको बार बार पकड़ने में, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं इस लहंगे में। कैन कैन जो है ना वो बहुत हैवी लगी हुई थी इसमें, नीचे नीचे कैन थी बस ऊपर तक नहीं थी। अगर इसमें घुटनों तक होती ना तो बहुत ही प्यारा लगता, लेकिन नीचे नीचे थी इसमें। उसकी वजह से थोड़ा सा फिटिंग भी इसका गड़बड़ हो रखा था, क्योंकि इसमें कैन जो है ना लगी तो है, नीचे ही लगी हुई है, बहुत ही मतलब ज़्यादा नीचे थी। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है ना वो आई है। इस तरह से फिर हम इसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे तो ये लहंगे की हमारी बेल्ट लगकर तैयार हो जाएगी। और बेल्ट को ना हम इसमें से कट नहीं करेंगे, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। अंदर की साइड हम इसको फोल्ड करने वाले हैं। वो किस तरीके से करेंगे कि अगर आप बाद में मोटे हो जाते हैं तो आप इसको खोल सकते हैं। जो हमने कलियाँ दबाई हैं उनको खोल लीजिए, जो हमने लाइनिंग दबाई है उसको खोल लीजिए। जो बेल्ट है ना तो वो हम कट नहीं करेंगे, अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, तो उससे हमारी जो हम इसको खोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका फोल्ड करके अंदर इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और ऊपर से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारी जितनी भी हमारी कमर की जो हमने इसकी जो बेल्ट थी उसको हम कट नहीं किया है, अंदर हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा इसमें जुगाड़ है बहुत अच्छा, ताकि हम आगे हमें खोलना पड़ जाए तो हम इसको खोल सकते हैं। क्या होता है हम कट लगा देते हैं और जो हमारा कपड़ा होता है ना जो फेंक देते हैं, फिर वो नहीं मिल पाता है या फिर कहीं रख कर भूल जाते हैं तो फिर वो नहीं मिल पाता है। तो उससे बहुत अच्छा है कि आप इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और कली काटने की बजाय आप ऊपर से कलियों को थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए, ताकि आप उनको बाद में खोल भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका 2-in-1 काम हो जाएगा। आपको खोलना पड़ जाए तो आप इसको खोल सकते हैं। तो ये लहंगा हमारा आगे तक चलेगा, अगर कि वरना क्या होता है कि हमारे लहंगे छोटे हो जाते हैं तो फिर हम उनको बाद में नहीं पहन पाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी बेल्ट लगकर तैयार है। अब हम इसको आपको लहंगे को दिखाएंगे और जो हमने साइड से खोला है ना उसको भी हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी बेल्ट लग गई है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे, उनको बंद करवाना है, इसमें चैन नहीं लगवानी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे हमारा लहंगा बनकर तैयार है। तो ये देखिए हमारी कमर कितनी छोटी हो गई है। और इसी तरह आप अपने लहंगे को छोटा कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका है, घर पर आप अपने लहंगे को इस तरह से परफेक्टली बना सकते हैं। तो इसी के साथ अभी हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए।